आज सुबह सुबह एकदम बहुत खतरनाक चीज़ हो गई। अपने नाम पर यूसुफैन दरगाह में एकदम अंदर आग लग गया। आग लग के दो तीन दुकान पूरे जल के राख हो गए। देख रहे हैं आप लोगों कितना खतरनाक आग लगा, आग लगने के लगा। लोगों देखो ऐसा खड़के वीडियो ले रहे हैं, डर नहीं कुछ भी नहीं। क्या है पूरा बाजू बाजू दुकान है, एक के बाद एक जल गया, मतलब पूरा जल जाता। बुढ़ लोग बुझाने की कोशिश कर रहे लेकिन बाकी लोग खाली टाइम पास वीडियो लेने की कोशिश कर रहे। खैर कैसा लगा आग नहीं मालूम, थोड़े जने बोल रहे शॉर्ट सर्किट है, थोड़े जने बोल रहे कुछ और है वजह, मालूम तो नहीं। लेकिन कुछ हुआ नहीं, खुदा ना अच्छा हुआ, लेकिन खुदा ना कैसा कुछ होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता था। बहुत खतरनाक आग लगी, देख रहे अपना धुआं कितना ऊपर तक गया देखो। खैर जो भी है चलो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या है अब नेक्स्ट टाइम से ज़रा फायर सेफ्टी देख लेते रहना। क्या है प्लास्टिक के कवर हैं वो, ये है जल्दी आग लग जाती, जल्दी आग फैलता। और दरगाह एक ऐसा जगह है जहाँ छोटे बच्चे ज़्यादा आते, क्या है फैमिलीज लेडीज़ वो ये बहुत आते, तो क्या है बहुत एकदम खतरनाक चीज़ है ये। दिख रहा है आप लोगों को कितना खतरनाक, कितना बड़ा आग लगा देखो। खैर थोड़ी देर में आग तो बुझा दिए लोग हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या है अपन केयरफुल रहना है। ऐसे पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस में फायर सेफ्टी को बहुत केयरफुल रहना। इससे पहले भी क्या है अपने जो है कोटी में लगा था आग, अब यहाँ लगा। और लोगों में अपने क्या है आग लगे तो बुझाने की कोशिश करना, लेकिन वहाँ खड़ के वीडियो नहीं लेना। तो ये चीज़ याद रखना, लोगों देखो लोगों कैसा जल के पूरा राख हो गया। धुआं तो एकदम दूर दूर तक से दिखा करते, बाहर ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी हो गया, गली छोटी है तो लॉरी भी अपने फायर इंजन लॉरी भी अंदर नहीं आ सकती। तो खैर जो भी है पाइपान लगा के वो लगा के बुझा दिए आग, कुछ हुआ नहीं किसको भी। लेकिन जो है चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम से अपन ज़रा केयरफुल रहना, ज़रा यू नो सावधानी बरतना। एक बोल तो पब्लिक गैदरिंग जगह है, और जो भी है अब कोरोना के केस में बढ़ते जा रहे तो ये भी चीज़ ज़रा केयरफुल रहो। अपना दरगाह को यहाँ आवा गए तो यहाँ भी पब्लिक गैदरिंग हो रही है, मास्क पहन लेके जाओ, जितना हो सकता सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और एक दूसरे को जो ना ऐसे टाइम पे हेल्प करना अपन और साथ देना। हेलो गाइस, दिस इज आमिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर द फुल ट्रैवलर। देखना नामपल्ली दरगाह यूसुफैन दरगाह में कितना खतरनाक आग लगा सुबह सुबह, कैसा लगा नहीं मालूम, लेकिन दो तीन दुकान जल के राख हो गया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दुकान वालों का, क्योंकि छोटे मोटे दुकान रहते हैं, उन लोगों का खर्च चलता उससे, और दुकान जल के राख हो गया। तो अगर आप लोगों से मदद हुआ तो जाके वहाँ लोगों को हेल्प करो, थोड़ा हेल्प करो, पैसे दो जो भी हो सकता करो आप लोगों से, क्योंकि लोगों का घर चलता उससे। मेरे को कुछ डोनेशन न करो, किसी को कुछ डोनेशन न करो, जाके आपके तरफ से हेल्प करो, उन लोगों को कुछ सामान दे रहा हो ताकि वो दुकान को फिर कंटिन्यू कर सके, क्योंकि हालात हम बहुत बुरे देख सकते हैं आप लोगों, जो भी हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा। और केयरफुल रहो, कोरोना के केस में बढ़ते जा रहे, लॉकडाउन तो नहीं रहता बोल के तो केसर साहब बोल दिए, होम मिनिस्टर भी बोल दिए, लेकिन अपन अपनी सेफ्टी मेंटेन करना। केसान तो बहुत बढ़ रहे, हमारे दोस्तों में भी सुनने में बहुत केस आए कि कोरोना केसेस बढ़ रहे लोगों को, फिर वही ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रहा, वेंटिलेटर पे बहुत से लोग आए हैं। तो दुआ करो कि सब नॉर्मल हो जाए, पहले से हो जाए, और आप लोग हमें सेफ्टी मेंटेन करो। और रमज़ान भी आ रहा तो अभी से बन जाए हेल्थ वॉइस सुधारना, ताकि रमज़ान में अपना आसानी से पूरे रोज़े आसानी से चल जाए अच्छे से, और पांच नमाज भी पढ़ सके। खैर जो भी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से लोग शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को वायरल करो।